हिमायरा क्या हुआ बेटा, क्या है आज कान्हा जी का? कान्हा जी को झूले में बैठा दिया है, थोड़ा झूला लगा देते हैं। टर्मिनेटर लगाने के बाद क्या मस्त फेस पर ग्लो आ गया है। चॉकलेट ले गया हो भाई। कान्हा जी का झूला और पूरा बैकग्राउंड मैंने सजा दिया है, जो भी चीजें मिली उससे हिमायरा के। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कल गई सप्तमी और आज है जन्माष्टमी। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी की अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं है। मम्मी ने कान्हा जी के लिए झूला तो मंगाया क्योंकि आज झूले में डालेंगे कान्हा जी को, तो उस सब की प्लानिंग करनी है अभी। मम्मी को मैंने पूछा झूला आ गया है क्या, मम्मी कह रहे शायद आ गया है, अब नहीं आया होगा लेने जाना पड़ेगा, आ गया होगा तो अभी पूजा होगी तो उसी के साथ कान्हा जी को बैठाएंगे। तो मैं अभी कंप्लीट रेडी हो रही हूँ। मैंने मेरा स्किन केयर अभी चालू है, टोनर लगाया तो थोड़ा सूख रहा है उनका गला, मेरा टोनर सूख रहा है तब तक मेरा गला भी सूख रहा था। उनका पानी पी लेती हूँ। सुबह सुबह हम सब जने लाइव वाटर ही पीते हैं। सुबह सुबह क्या, जब मैं शॉप पे होती हूँ तभी लाइव वाटर नहीं पी पाती हूँ, बाकी घर पे तो लाइव वाटर ही पीते हैं। क्योंकि मटकी अब कर दी है बंद, क्योंकि मटकी में बहुत ज़्यादा पानी ठंडा रह रहा था और सबको कोल्ड कफ की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो ही रही थी। मैं अभी पूजा कर रही थी और पूजा कर रही थी तो बाहर तुलसी के पत्ते लेने के लिए, बाहर हिमायरा का चल रहा है फोटोशूट। हिमायरा बनी है कान्हा आज। चप्पल नहीं पहन के आई मैं, वाह। आपकी बांसुरी कहाँ है? इवा का चूड़ी तुझे कान्हा जी, कान्हा जी जय श्री कृष्ण कर दो, जय श्री कृष्ण कर दो, जय श्री कृष्ण, जय श्री। भाभी नादू आ गया, देख नादू, नादू चाचा कुछ लेके आ, नादू चाचा कुछ लेके आ, देख बांजुरी आ गई है। ओ वाओ, शुआ 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 शुआ, हाय, हेलो शुआ, हेलो, ओ शुआ शुआ ने कान्हा जी चिकू को बहुत देखने का हो रहा है पर बाहर नहीं रहे, ये फोटो खिंचाएगी नहीं करके, वो आएगी नहीं करके नहीं देख रहे अभी, खबर पड़ गई है चिकू यूं करके नहीं। हाय कृष्ण जी, हाय कृष्ण जी, जल्दी पीछे जाओ। चाचा को देख के रिएक्शन ही चेंज हो गए। ना ना निया ना, मैं भी नहीं। बाहर में गई थी तो हिमायरा के क्या मस्त मस्त फोटो खींचे, आपने देखा ही होगा व्लॉग में। अभी इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी कर रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब मैं कर देती हूँ पूजा क्योंकि उसके साथ काफ़ी टाइम हो गया मेरा। पूजा मेरी हो चुकी है, अब कान्हा जी का यहाँ पर झूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूरा स्पेस कर दिया है, इधर कॉर्नर में ये टेबल इधर आ जाएगा, इधर पूरा डेकोरेट करेंगे। सामान तो मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं डेकोरेशन का, पर चिकू की हेल्प से थोड़ा डेकोरेट करूँगी। और कान्हा जी को आज नए कपड़े पहनाए हैं, अच्छे से तैयार किए हैं, बताओ कैसे लग रही कान्हा जी। और कुछ भोग भी बनाएंगे, भोग की तैयारी करती हूँ, पर इससे पहले मैं मेरी थोड़ी सी पूजा बाकी है वो कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है और कुछ सामान ढूंढती हूँ डेकोरेशन का, क्योंकि मेरे घर में यार कुछ सामान नहीं है, मुझे आज पता चला है कि तो डेकोरेशन का ही सामान नहीं है, कुछ ढूंढती हूँ।
कान्हा जी का झूला और पूरा बैकग्राउंड मैंने सजा दिया है, जो भी चीज़ें मिली उससे, हिमायरा के बर्थडे की कुछ कुछ चीज़ें हैं तो उससे सजाया है। और अभी कोई मुहूर्त नहीं है, मम्मी वगैरह मुहूर्त देख के फिर कान्हा जी को झूले में रखेंगे, क्योंकि हमारे घर पर कान्हा जी फर्स्ट बार झूले में जाएंगे, तो इस हिसाब से सारा ये डेकोरेट किया है। मेरे को साइड में रखने के पोर्ट कुछ नहीं मिले, अगर साइड में रखने के थोड़े पोर्ट होते तो ज़्यादा सही रहता, और ऑल ओवर जितना भी हुआ है ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। कान्हा जी की तैयारी कंप्लीट हो गई है, जब मम्मी बोलेंगे तब झूले में रख देंगे। और अभी कान्हा जी के लिए बन रहा है भोग, भोग में आज बन रही है खीर, क्योंकि कान्हा जी को बहुत पसंद है इसलिए, तो ये यहाँ पर खीर बन रही है और हमारे लिए भी खाना बन रहा है। मेरी और मम्मी का दोनों का तो व्रत है आज जन्माष्टमी का, तो हम व्रत सुबह ही खोल देंगे। फ़ोन के रख के बुनती हूँ मैं, आज तो घड़ी भी नहीं पहनी। खाना बन चुका है और कान्हा जी के लिए भी भोग बन गया है, तो कान्हा जी को भी मम्मी ने भोग लगा दिया है। ये आज का भोग, खीर, दाल, पूड़ी, चावल और साथ में तुलसी, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगता है तो उसमें तुलसी डलती ही है। एक बार मैंने गलती से गणपति जी को भोग में तुलसी लगा दी थी, जो कि गलत है, नहीं लगती है गणपति, पता नहीं था ना इसलिए, फिर मुझे पता चल गया, मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ती है खाने के भोग के ऊपर। सो अब नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा, एक बार क्लियर हो गया ना। पर कान्हा जी को तो लगती है, कान्हा जी को प्रिय है तुलसी, तो तुलसी तो भोग में होनी ही चाहिए। अभी अब हमारा भी खाना हम खा लेते हैं। चिकू को बुलाया है और चिकू को साथ में मिठाई लेकर आने के लिए कहा है, क्योंकि भोग तो अब छप्पन बन नहीं सकते हैं, पर भगवान को इतना अर्पण करके यही कामना से एक छप्पन भोग का आपका भोजन करा रहे हैं, ये सोच के भगवान को भोग लगाया है, तो एक मिठाई भी ऐड कर देंगे। कड़वर मिलेगा मम्मी झूला में, वह ठीक है, मुझे दुकान जाए ना, वो वही मेलो तो फिर हादी के जुम्मन। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे और मम्मी कह रहे हैं मैं मुहूर्त देख के फिर कान्हा जी को झूले में डालूंगी, मेरे कैमरे की बैटरी के लिए। ओह ये भी लो, सब बैटरी डिस्चार्ज है, चार्ज पे रख के जाती हूँ, चिकू को बोलूँगी आएंगे तब लेते हुए आएंगे, सारी बैटरी डिस्चार्ज है। क्या बता, ये प्लग स्विच है जो बंद है था उसी के अंदर लगा हुआ था, सो चार्ज ही नहीं हो गया। और शॉप पे जाके एक सरप्राइज है, आई होपफुली सक्सेसफुल हो जाए। लॉन्ग स्टेप हेयर कट है ये, जिसमें बालों की लेंथ है वो कम नहीं होती है। अभी जस्ट हुए हैं फ्री और आप देख सकते हो क्या है सलून की हालत, और ये महारथी सब बैठे हुए हैं, पूरे बाल सबने मिलके बाल इकट्ठे किए, अभी इन सारों को सब पे वैक्यूम घुमाते और चकाचक क्लीन करते। और अभी मैं रोशनी पर और लव पे, दोनों पे मेकअप करने वाली हूँ, तो रोशनी बनेगी यशोदा और लव बनेगा राधा, खाना बनेगा क्या बनेगा, तो अभी इन दोनों का मेकअप होने वाला है, चलो करते हैं मेकअप। तो अब हो रहा है रोशनी का मेकअप, और रोशनी ने यहाँ पर कॉस्ट्यूम पहन लिया है काठियावाड़ी, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था शिवाजी का, वही पहना है। और अभी अब करने वाले इनका मेकअप, क्या बताएं इनको क्या शौक चढ़ा है, दोनों माँ बेटे को यशोदा और कान्हा जी दोनों बनना है। वो मुकुट लगा, पापा जी मैं ही बनूंगी, मोती भी देख। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके फेस पर लगा रही हूँ शुगर का एल्यूमिनेटर, क्योंकि पूरा फेस हमको अच्छा ग्लोसी दिखाना है इसलिए। नॉर्मल रहोगा, मैं ये इसी बंद किसने करिए, मैंने बंद क्यों करी, कम करने के लिए कहा था। आप देख सकते हो एल्यूमिनेटर लगाने के बाद क्या मस्त फेस पर ग्लो आ गया है। नया ऑटो भी शुरू ना कर दे, अब लग रहा है प्राइमर ओपन पोर्स पे। एंड अप हो रही है आईब्रो डिफाइन, क्योंकि इनके आईब्रोज में बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये शुगर की आईब्रो डिफाइन अभी यूज़ कर रही हूँ मैं। एक बार अच्छे से कॉम कर देंगे आईब्रो को, ये शुगर का हाइलाइटर मिनी हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है, यानी आप इस अभी इसके पिगमेंट्स देखना क्या मस्त फेस ग्लो करता है।
अब आती है हमारे आई मेकअप की बारी, तो अब आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। रोशनी का मेकअप हो गया है और मैं अभी जा रही हूँ घर पे, क्योंकि अभी कान्हा जी को झूले में रखने का भी मुहूर्त है। और ये मैडम रेडी हो गए हैं, जब तक ये कंप्लीट रेडी होते हैं, हेयर स्टाइल वगैरह करते हैं, इतने मैं घर से आ जाऊँगी। घर पे और भी कुछ काम है, एक बार जाऊँ तब पता चलेगा। कान्हा जी को झूले में भी रख के आते हैं और शाम को मंदिर जाने का प्लान है, सब जने जाते हैं। टेप नहीं? टेप नहीं, इतना दो तीन टेपें चिपकाई तो भी चल ही नहीं रहा। कान्हा जी को झूले में बैठा दिया है, थोड़ा झूला लगा देते हैं। पंखे गिर गए, कोई बात नहीं, पंखे साइड में रख देते हैं अभी। भोग भी यही रखते थे कान्हा जी को, कान्हा जी को अभी झूले में बैठा दिया है। कान्हा जी का भोग भी यहाँ रख दिया है, पास में तुलसी पड़ी है, गाय पड़ी है, पंखे भी यहाँ रख दिए हैं और कैंडल्स तो रात को लगाएंगे। आज इच्छा थी केक वगैरह काटे, अब देखते हैं क्या 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 होता है, क्योंकि मम्मी और ये लोग बाहर जा रहे हैं कुछ काम से, सब साथ में होंगे तो मज़ा आएगा। बाकी भोग वगैरह तो लग के कम्प्लीट है, आप देख सकते हो। अब कान्हा जी झूले में पूरा दिन झूलेंगे। अब जाती हूँ शॉप पे और याची पापी को थोड़ा कुछ काम है, दोनों के साथ चली जाती हूँ। चिकू थोड़े बिजी है तो मुझे छोड़ने नहीं आ पाएंगे। बाय बाय कान्हा जी। तो मैं आ गई हूँ शॉप पे आके देखा तो यशोदा जी और कान्हा जी दोनों तैयार हैं। कैसा लग रहा है रोशनी आज तैयार होके? मस्त लग रहा है मेरे को तो। अभी इन दोनों का होगा फोटोशूट मस्त, और वाकई यशोदा दिख रही है, पर इतनी यंग यशोदा और इतना छोटा सा कानूडा वो जाके बताते एक बार। दोनों जने मस्त तैयार है, अभी इनका फोटोशूट होगा मस्त। तो अभी टाइम हो गया है मंगल करने का, तो 6:15 हो रही है, तो क्यों ना आज कान्हा जी के दर्शन करने के लिए मंदिर भी जाया जाए, क्योंकि मेरे को रात को तो टाइम मिलेगा नहीं, और चिकू भी लेके जाएंगे नहीं, बहाने मारेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ काम रहेगा। सो इसलिए मैं और रोशनी अभी जा रहे हैं कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। तू आएगा कान्हा जी के दर्शन करने? राधे कृष्ण के दर्शन करके हम यहाँ पर बड़े मंदिर दर्शन करने आए हैं केशवराय भगवान के, और यहाँ पर भी कान्हा जी थे, कान्हा जी के दर्शन हो गए। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए बाहर से आपको बता दूँ। मस्त लग रहा है इतने दिनों के बाद मंदिर आके, इतना अच्छा लग रहा है। चिकू को केक भी नहीं आई, चिकू नहीं समझ रहे होंगे ना मेरे को लेने बुला रही है कि ना कुछ नहीं, गई कहाँ आई है। केसरिया दादा का मंदिर स्वर्ग है, स्वर्ग है यहाँ पर। इसकी माला है अंकल, छोटी मीडियम, रुक जा लव यार मुड़न दे, पागल नहीं कर रहे। मैं घर पर आ गई हूँ और घर पर हिमायरा और इवा दोनों आए हैं। बर्थडे तो उचक गया, पर ये हिमायरा क्या हुआ बेटा, क्या है आज कान्हा जी का? कान्हा ये हैप्पी टूटू, हैप्पी टूटू है आज। हाय भैया एक मिनट वा। तो अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। मेरे तो खाना नहीं है क्योंकि मेरे है व्रत, और चिकू और पापा दोनों के खाना है, मम्मी बाहर गए हैं, तो चिकू पापा दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। और हिमायरा भी मेरे साथ बनाने लगेगी खाना, इवा भी बनाने लगेगी। दोनों ने सेम सेम पहना है आज तो, आप दोनों ने छेम छेम नाम भी छेम छेम लिखा हुआ है। पापा और चिकू दोनों के लिए खाना बन गया है, वो दोनों जने बैठ के खा रहे। अभी कान्हा जी के लिए केक लाए हैं, तो केक कट करवाते हैं कान्हा जी को। भोग में केक है। Happy birthday to you.
जी को रख देते हैं अपन। कौन सा चाहिए पूरा? तो कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए। पिंक कलर खाना था। हाँ हमने याद करी रहे काना जी। बहुत अच्छे से मना लिया है, मम्मी है नहीं इसलिए मेरे को थोड़ी जिम्मेदारी मेरे पे तो बढ़ जाती है, मम्मी होते तो थोड़ी कम रहती है। मेरा व्रत है इसलिए मैंने खाया नहीं है। चिकू और पापा को भी खिला दिया है, किचन कंप्लीट क्लीन करके यहाँ आके मैं बैठी हूँ। अभी एक मेरे लिए फ्रूट वगैरह कुछ काट दूँगी, फिर फ्रूट का काट के थोड़ा पेट पूजा हो जाएगी तो नींद सही आ जाएगी। भूखे पेट बिल्कुल नींद नहीं आती है ना, तो दूध पी लेती, कुछ ना कुछ कर लूँगी। और आज का ब्लॉग अगर देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। हैप्पी जन्माष्टमी। झूले से 12 बजे के बाद कान्हा जी को उतार दूँगा।